नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट मैटर में बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2018 होगा या नहीं होगा। बात ये इसलिए आया है कि एसएससी 2018 होने का था और सब कुछ डेट्स भी आ गए थे, लेकिन बात ये आ गया कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है अभी दिल्ली में, उस प्रोटेस्ट के कारण काफ़ी नुकसान है स्टूडेंट्स को और काफ़ी फ़ायदा भी है। फ़ायदा इस चीज़ का है कि जो मांगे हैं, जो करप्शन हो रहा है, जो धांधली हो रहा है, वो रुक सकता है, रुक सकता है, सकता लग रहा है, सकता जो वर्ड है वो जुड़ा हुआ है, रुक सकता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये कि वो ये हो जाते हैं कि वो पढ़ते 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 रेगुलरिटी छोड़ देंगे। अभी होगा क्या 2018 का जो एग्ज़ाम है उसके साथ क्या होगा, उसके लिए हम लोग को जानने के लिए 2017-16 में जाना पड़ेगा। 2017 का एग्ज़ाम की बात किया जाए, जिसका अभी अभी मेंस कंडक्ट हुआ, फिर री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसके बारे में अगर बात किया जाए तो एप्लीकेशन तो हुआ था स्टार्ट, वो हुआ था 15 मई 2017 को एप्लीकेशन जो फिल करने का डेट है वो स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट जो था वो 19 जून था, 19 जून तक चला। और एसएससी का फॉर्म फिल करने का डेट क्या था, 15 मई से 19 जून। उस फॉर्म फिल करने के बाद जून हो गया, फिर जुलाई एक बीच में दिया महीना, उसके बाद जो है सीजीएल टीयर वन कंडक्ट हुआ 5th अगस्त से 23 अगस्त तक जो है टीयर वन कंडक्ट हुआ। उसके बाद टीयर टू को पोस्टपोन करते करते फरवरी में कंडक्ट हुआ, और फिर मार्च 31 को जो है डिस्क्रिप्टिव होने का था। अब हम लोग ये डिस्क्रिप्टिव के देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव के बाद क्या होता है। जब मार्च में होता है डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद क्या होता है। अगर हम लोग 2016 में जाएँ तो जो टीयर 3 हुआ, 2016 जो पहली बार टीयर 3 हुआ था, टीयर 3 जो हुआ वो पहले शेड्यूल था 5th मार्च 2017 को शेड्यूल था, लेकिन वो पोस्टपोन्ड होकर कब हो गया, वो हो गया 19 मार्च। 5th मार्च को शेड्यूल था और फिर वो रिशेड्यूल होकर 19 मार्च हो गया। 19 मार्च को जो है टीयर 3 का फाइनल पेपर हो गया। मतलब मार्च में अगर पेपर होता टीयर 3 का तो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है मई में। मार्च में अगर पेपर होता है टीयर 3 का तो स्टार्ट होता है मई में। तो अगर हम लोग का टीयर 3 ही, अगर 2017 का जो टीयर 3 ही अगर मई में स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद के 2 महीने, मतलब मई के बाद जून जुलाई, मतलब जुलाई में जो है आपके एप्लीकेशन डेट्स चालू होंगे, अगस्त तक चलेंगे, और अगस्त के बाद सितंबर, 1 महीना छुट्टी मिलेगा, 1 महीना आप लोग को प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा 1 सितंबर, और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होने के चांसेस है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एप्लीकेशन जो अपली जो अपली अभी अभी जो नोटिफिकेशन डला है 2018 सीजीएल का, उसमें मई 2018 क्या दिखा रहा है, एप्लीकेशन स्टार्ट दिखा रहा है, जून जो दिखा रहा है एप्लीकेशन एंड दिखा रहा है, और एग्ज़ाम जो है अगस्त। ये किस हिसाब से, ये 31 मार्च को डिस्क्रिप्टिव होता उसके हिसाब से ये जो डेट्स हैं, लेकिन जब मार्च से वो मई में चले गया तो यहाँ से भी 2 महीना, यहाँ से भी 2 महीना, यहाँ से भी 2 महीना आगे उसको जाना पड़ेगा। तो आप लोग का चांसेस अभी 100% ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में आप लोग के जो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका अगस्त में ना होके डायरेक्ट अक्टूबर में होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट जो हुआ है वो सही टाइम पे नहीं हुआ है। टाइम क्या होता है कि अगर आप लोग को कोई भी प्रोटेस्ट होना है तो वो प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए होना चाहिए। अगर कोई बंदा प्री में चीटिंग करके ज़्यादा मार्क्स ला लिया और उसके मेंस में भी चीटिंग किया वो बंदा, लेकिन उसका मेंस कैंसिल हुआ, प्री नहीं हुआ, तो फ़ायदा क्या हुआ। कैंसिल करना है तो आपको प्री भी कैंसिल कीजिए, मेंस भी कैंसिल कीजिए, टीयर 3 भी कैंसिल कीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ मेंस कैंसिल करेंगे तो उनका क्या होगा जो प्री में कम लाके मेंस में जेन्यून कैंडिडेट्स, उनका क्या होगा जो प्री में बहुत कम लाए और मेंस में उनका नसीब साथ दिया और वो इंग्लिश में और मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लिए और उनका ग्रैंड टोटल जो है काफ़ी अच्छा बैठ गया, काफ़ी अच्छा बैठ गया, वो पढ़ाई पूरी तरह पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं, घर छोड़, उन्होंने जो 10 महीने 9 महीने का जो प्रैक्टिस किया है वो प्रैक्टिस उनका कहाँ चले जाएगा। इसलिए मेरा क्या आग्रह है कि एसएससी को अभी जो रीशेड्यूल किया है 9 मार्च को वो बहुत सही है। जो 17 तारीख के 2 शिफ्ट है वहाँ एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, जो 2 सेंटर में एग्जाम्स नहीं हो पाए उसका रीशेड्यूल किया, और 21 फरवरी को स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो गए थे कि
कि उनको 10 बजे वाला टाइमिंग को उन लोगों को उठा के फिर उसके बाद 12 सवा 12 को फिर बैठा गया, तो उनको री एग्जाम करवाए वो बहुत सही था। और जो एक और एग्जाम हुआ 21 को वो भी सही था। लेकिन अब जो है 18 19 20, 18 19 20 में किसी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको री एग्जाम करवाने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। मुद्दा ये बनता है कि एसएससी को अपना एग्जाम जो करवा रहे हैं उसको चेंज करना है। एसएससी को क्या करना चाहिए, एसएससी के पास अबाउट सीएचएसएल का देखा जाए तो अभी 60 लाख के अराउंड कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर होने वाले हैं सीएचएसएल में। सीएचएसएल में 60 लाख के अराउंड कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं, तो वो 60 लाख को उन लोग कंप्यूटर में नहीं करवा सकते। और अगर कंप्यूटर में करवा भी दिए तो उनको काफ़ी शिफ्ट में कराना पड़ेगा, जिससे क्या होता है शिफ्ट के ऊपर नीचे हो जाता है टफनेस। इसलिए एसएससी को करना क्या चाहिए, एसएससी को ऑफलाइन कर देना चाहिए। प्री के एग्ज़ाम को ऑफलाइन करना चाहिए, प्री के एग्ज़ाम को ऑफलाइन करना चाहिए। और जो प्री का एग्ज़ाम है उसमें से जब वो छाटेगी मेंस के लिए, मेंस के लिए छाटेगी, तो सिर्फ 1:10 निकाले, 1:10 के रेशियो में निकाले। अगर 8,000 पोस्ट है, 8,000 पोस्ट है, तो 80,000 लोग जो है मेंस के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। 8,000 पोस्ट है तो 80,000 जो है मेंस के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, तब सही से सिस्टम्स मिलेंगे। और जो वेंडर है, वेंडर जो है वो आईबीपीएस टाइप से होना चाहिए, जो कि मतलब बड़ी बड़े बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही अच्छा बायोमेट्री और बहुत ही अच्छा सिस्टम है उसका। आईबीपीएस टाइप से वेंडर होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग किसी भी को भी वेंडर रखेंगे तो उन लोग लाइटली ले लेते हैं और स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ खेल सकते हैं। सो आप लोग को क्या, एसएससी को क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो उसको प्री को जो है ऑफलाइन कर लेना चाहिए। ऑफलाइन करवाएंगे तो आप लोग आराम से 2 से 3 दिन में आप लोग के जो है प्री के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। प्री के एग्ज़ाम आपके 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएंगे अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम रखवा दिए। और दूसरी बात, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए किसका, मेंस का, जिसमें सिर्फ 1:10 बैठे, सिर्फ 1:10 बैठे, और अच्छे अच्छे सेंटर्स में, एकदम स्ट्रिक्ट सेंटर्स में, विथ स्ट्रिक्ट वेंडर लाइक आईबीपीएस। आईबीपीएस को करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो चांसेस है कि एसएससी सीजीएल 2018 जो आने वाला है वो बहुत ही स्मूथली कंडक्ट होगा और उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तो ये अगर आप लोग को अच्छा लगा, ये आइडिया अगर आप लोग को अच्छा लगा या सोच आप लोग को अच्छी लगी, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी आप लोग के भाई बंधु हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जहाँ से आप लोग शेयर कर सकते हैं वहाँ से शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि अभी क्या क्या उनके साथ, क्या अभी फ्यूचर में अभी क्या क्या होने वाला है, क्या जो क्या नोटिफिकेशन के हिसाब से सब कुछ चलेगा, या फिर से कोई नई नोटिफिकेशन आएगी जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो वो अपने अभी से वो अपने आप को रेडी रखेंगे, नहीं तो फिर बाद में वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग को अगली वीडियो आप लोग आराम से देख सकते हैं, आप लोग के होम पेज में आ जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।